नीचे इधर आए तो नजर आएगा। ये पेज स्क्रॉल करना हो ना तो इधर क्लिक करना है पहले, फिर डाउन किधर पेज के ऊपर क्लिक करना, उस पे नहीं ना फिर स्क्रॉलिंग नहीं होती ना। ये क्या है प्रेस कर, अब नेक्स्ट पे जाना हो तो ये जाता जाएगा। अच्छा नीचे अच्छा मैं चेक कर लूं पार्टिसिपेंट्स के लिए। एक मिनट और स्क्रीन शेयरिंग ठीक है और मेरी वीडियो स्टॉप है, ऊपर लेके जा रहे हैं इसे एडजस्ट कर ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने देखना हो कितने पर तो इधर आ जाऊँ की तरफ जाना क्योंकि नीचे से तुम स्क्रॉल कर रही हो। तो ही बच्चे हैं देखो क्या है उनका है। अच्छा 10th क्लास कैसे हैं बेटा? बेटा लास्ट क्लासेस में नहीं थे, आपका नेट इश्यू चल रहा था कोई? यस मैम मैं अब सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया चलो। अच्छा जी बेटा एक तो ये कि मैंने असाइनमेंट एक थ्रू की थी ग्रुप में, पीडीएफ फाइल थी वो आपने चेक की थी? यस मैम कल चेक की थी मैम। कल चेक की है तो बेटा उसकी तो सबमिशन डेट थी ना, मैंने मतलब लास्ट फ्राइडे वाले दिन थ्रू की थी कि सैटरडे संडे है तो आप उसको कर लो। और यस मैम तो उसमें बेटा एक्चुअली वो जो असाइनमेंट्स हमने बनाई हुई है ना दे आर टोटली बेस्ड ऑन अपडेटेड पेपर्स, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो सारे अपडेटेड पेपर्स में से पिक एंड चूज किए हुए हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स, आपको उन्हें करना है अटेम्प्ट। ओके मैम। तो बेटा वो आप सबमिट करवाइए, अदरवाइज जो ग्रेडिंग हम मेंटेन कर रहे हैं आपकी वीकली हमने सबमिट करवानी होती है, उसमें फिर आपका ग्रेड जो है वो डी जाएगा। तो काइंडली मैं आप चले आपको आज का एक और दिन दे देती हूँ, तो आप उसको कंप्लीट करें असाइनमेंट को, और नेक्स्ट टाइम के लिए एवरी फ्राइडे मोस्टली मैं इस तरह का एक असाइनमेंट सेंड किया करूंगी ताकि वीकेंड्स पे आप लोग उसको इजीली कर लो। ठीक है ओके मैम। फातिमा आर यू देयर? यस मिस। Okay, Hassan is also present and Fatima is present. Okay. Okay, let's start a new chapter. We have completed our previous chapter. हम उसको complete कर चुके हैं और इसकी जो exercise है उसके MCQs हैं वो आप बता दें मुझे, क्या मुझे करवाने होंगे या वो आप खुद attempt कर लोगे, क्योंकि I think you have your extra
की बुक्स विद यू तो आप उसको तो कर ही लेते हो अटेम्प्ट, तो आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट. ओके अच्छा जी. सेकेंडली एक और बात मैं बताऊं आपको कि एक तो असाइनमेंट्स का फातमा मैंने बता दिया, मैंने पीडीएफ फाइल आपको सेंड की थी, उसके असाइनमेंट्स आप जरूर अटेम्प्ट किया करें आपकी ग्रेडिंग के लिए. सेकेंडली इस फ्राइडे वाले दिन, ये जो फ्राइडे आएगा, इस फ्राइडे को आई विल टेक योर ओरल क्विज. ओके वो एमसीक्यूज बेस्ड थी जी चैप्टर नंबर वन का वो नहीं. अब आप चैप्टर नंबर वन को तो अब ऐसा कीजिए ना, असाइनमेंट मुझे थ्रू करें. अब हम जो चैप्टर टू के जितने भी टॉपिक्स कवर कर लेंगे उसका एक क्विज आ जाएगा एमसीक्यूज बेस्ड, और वो मैं ओरल लूंगी नॉट रिटन, क्योंकि अब ये है चुके जी. और आप बल्कि अभी भी ऐसा करें कि अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर करें मुझे, सो दैट आई कैन सी बोथ ऑफ यू. और जिस दिन ये क्विज होगा तो चूंकि स्क्रीन शेयर हो रही होगी और मैं आपसे वर्बली एक क्विज मतलब एमसीक्यूज बेस्ड आपने ऑप्शंस बतानी होगी मुझे, तो मैं उसकी फिर मार्किंग कर लूंगी साथ साथ. ठीक हो गया? ओके बेटा शेयर योर स्क्रीन टू मी, क्योंकि ये रातों में सादिया ने आपको पता है ना इंस्ट्रक्शंस दी थी कि स्टूडेंट्स की स्क्रीन जो है वो शेयर होनी चाहिए. आपने रात को इंस्ट्रक्शन नहीं देखी ग्रुप 10 में 10th क्लास के ग्रुप में? एंड हसान व्हाट अबाउट यू? मैम मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ मैम, इसमें कैमरा नहीं है मैम. अच्छा चलो. तो बेटा क्विज वाले दिन क्या होगा फिर? मैं उस दिन फोन यूज कर रही हूं मैम. अभी क्या यूज कर रहे हो आप? कंप्यूटर मैम. तो कंप्यूटर पे तो बेटा होती है ऑप्शंस शेयर स्क्रीन की मैम, उसमें कैमरा नहीं है मैम. अच्छा इसमें कैमरा नहीं है. ओके चलो ठीक. ओके लेट्स स्टार्ट और नेक्स्ट चैप्टर होमियोस्टेसिस. कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, ma'am. जी जी बेटा उसके ऊपर चैप्टर टू, ये मैंने ना बुक की ही पीडीएफ फाइल है ईलर्न पंजाब वो ली हुई, दिस इज बुक. ठीक है तो होम्योस्टेसिस वी विल स्टार्ट होम्योस्टेसिस चैप्टर टुडे. और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर का जो हमने इस चैप्टर में रीड करना है वो ये है कि हाउ प्लांट बॉडीज एंड एनिमल बॉडीज मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर्स, और वो अपने इंटरनल जितनी भी एनवायरनमेंट है उनके अंदर जितना भी वाटर का लेवल है, डिफरेंट केमिकल्स का लेवल है, टेम्परेचर का लेवल है, वो कैसे एक मेंटेन करते हैं, एक स्टेबल कंडीशन में मेंटेन करते हैं. स्टेसिस का मतलब ये है, स्टेसिस का मतलब ये है कि टू मेंटेन अ स्टेबल कंडीशन ऑफ बॉडी. ऐसा नहीं है कि अगर सर्दी आएंगी तो हमारी बॉडी शदीद ठंडी हो जाएगी, या ऐसा भी नहीं है कि अगर गर्मियों का सीजन चल रहा है तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी. ऐसा नहीं होता. वी हैव टू मेंटेन अ स्टेबल टेम्परेचर एंड स्टेबल वाटर कंडीशन इन आवर बॉडी. ठीक है? Yes, जी हसान क्या बताया मैंने आपको, व्हाट इज होम्योस्टेसिस? मैम बॉडी के टेम्परेचर को मैम जो रखते मैम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखता है. हल्का फुल्का चेंज अगर आ भी जाए तो उसको वो मेंटेन करता है. नॉट ओनली टेम्परेचर, आपका वाटर लेवल बैलेंस भी मेंटेन होगा, इसके अलावा जितने भी केमिकल्स हैं जैसे कि शुगर है आपकी, ग्लूकोज लेवल है, उसको भी मेंटेन करेगा ये. ठीक है? ओके हु विल रीड दीज लाइंस, ताकि अगर कोई इंपॉर्टेंट अंदर टर्मिनोलॉजी आ जाए मैं उसे एक्सप्लेन कर दीजिए जाओ. होम्योस्टेसिस हसान बेटा यू स्टार्ट रीड. Okay. Homeostasis may be defined as the maintenance of the internal conditions of body at equilibrium despite changes in the external environment. For example, the core temperature of human body remains at about 37 degrees Celsius despite fluctuations in the surrounding air temperature. Similarly, the blood glucose level remains about 1 gram per liter despite eating a meal rich in carbohydrates. Body cells need
the interval environment in which conditions do not change much. Stable internal conditions are important for the efficient functioning of enzymes. The following okay. are some okay. process of processes. Okay. okay, stop. Stop here. Beta, aapne grade 9 mein enzymes wala chapter read kiya tha. Kuch yaad hai uske baare mein? Concepts uske, enzymes ke. Yes, ma'am. हाँ जी, अब इस चैप्टर में बार बार थोड़ा सा एंजाइम वाले चैप्टर का एक रीकैप आएगा. एक तो ये जो 37 टेम्परेचर, हमें पता है कि हमारे बॉडी का एक रेगुलर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस. तो क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं वो इस टेम्परेचर पर ऑप्टिमम उस पर काम कर रहे होते हैं रेट के ऊपर, तो हमारी बॉडी को ये टेम्परेचर जरूर मेंटेन होना चाहिए. इसके अलावा ग्लूकोज का उन्होंने बता दिया कि ग्लूकोज का क्या रेशियो होना चाहिए बॉडी के अंदर, 1 ग्राम पर लीटर. एक लीटर में 1 ग्राम ग्लूकोज मौजूद होनी चाहिए, इससे ज्यादा या कम नहीं होगी. कम होगी तब भी हम लो फील करेंगे, वीकनेस फील करेंगे. हाई होगा तब भी हमें प्रॉब्लम फील होगी. बेशक जितना मर्जी आप खाने में, फूड में, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज ले लें, शुगर ले लें, लेकिन वो सारी की सारी क्या हो रही होती है, फिर मेटाबोलाइज होकर इस लेवल को मेंटेन कर रही होती है. तो वी विल रीड ऑल अबाउट मैकेनिज्म इन दिस चैप्टर. ये देखेंगे कि कैसे होगा. अब इसकी आगे से थ्री टाइप्स हैं होम्योस्टेसिस की, थ्री कैटेगरीज हैं. सबसे पहला है ऑस्मोरेगुलेशन, सेकंड थर्मोरेगुलेशन, एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन. ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मो इज रिलेटेड फ्रॉम द वर्ड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा था, द मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, ये आप 9th में पढ़ चुके हो ऑस्मोसिस. तो अब इसमें हम देखेंगे कि वाटर कैसे रेगुलेट होता है बॉडी के अंदर, बेशक वो प्लांट बॉडी हो, बेशक वो ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो. ओके फातिमा बेटा, स्टार्ट रीड दीज लाइंस. ऑस्मोरेगुलेशन. जी फातिमा, आर यू हियरिंग मी? फातिमा, आई थिंक शी इज नॉट देयर. फातिमा, कैन यू हियर मी? हेलो, यस मिस. बेटा मैंने आपसे कहा रीड करें इस पैराग्राफ को, ऑस्मोरेगुलेशन. ओके, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स. वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स एंड इनसाइड सेल्स कंट्रोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस व्हिच आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स. Call the concept of tonicity from grade 9 biology. Yes, tonicity का वो कह रहे हैं concept आप recall कर लें, जो कि हमने osmosis और diffusion वाले chapter में, I think chapter 4 था वो. तो tonicity क्या चीज़ है, कि आपकी जो cell membranes हैं वो stretch रहनी चाहिए proper, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि चिप वो है, मतलब flaccid form में नहीं होनी चाहिए, बड़ी swollen form में, तो उसको बोलते हैं tonicity. तो अब हमारी body का जितना भी water level है और जितने भी केमिकल्स हैं वो रेगुलेट रहेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ओके, थर्मो रेगुलेशन में क्या आएगा? थर्मो मींस हसान, थर्मो का क्या मतलब होता है? मैम हीट. यस, थर्मो रेगुलेशन मींस, अब इस टॉपिक में हम देखेंगे हाउ वी कैन मेंटेन द हीट ऑफ आवर बॉडी. और इसमें आपको पता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो 37 एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर अपना मैक्सिमम काम करते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस लेना पड़ेगा. देन थर्ड आ गया आपका एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन एक्चुअली बॉडी से जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालने का प्रोसीजर होता है, ठीक है. अब वेस्ट प्रोडक्ट्स में हमारा काफी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हमें गर्मियों में पसीना बहुत आता है ना. Yes, स्वेटिंग होती है. yes, इसके अलावा स्वेटिंग की मदद से तो हम ऑस्मोरेगुलेशन मतलब वाटर बैलेंस को कम वो कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, और फिर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं. तो ये जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट वो तमाम चीजें हैं जिनकी हमारी बॉडी को जब जरूरत नहीं होती, जब भी एक प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा चीजें बन रही होंगी वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगी. एग्जाम्पल आप इसकी ले सकते हो, जैसे हम फूड खाते हैं तो जो फूड हमारी जरूरत है वो तो बॉडी का पार्ट बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स. लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट फूड है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल. मॉर्निंग में जैसे सुबह हम वॉशरूम जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा फूड होगा वो बॉडी से आउट हो जाएगा. या वाटर जितना ज्यादा पी रहे होते हो उतना ही यूरिन आ रहा होता है हमें, है ना,
तो हम वॉशरूम जाते हैं और एक्सेसिव वाटर को भी अपनी बॉडी से रिलीज कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन की हेल्प से भी हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा मेंटेन करते हैं. ठीक है जी. अब यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन आई हुई है. इट मीन्स एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट मे हार्म टू बॉडी. अब जी चुके हमारी बॉडी को नुकसान दे सकते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, इसलिए इनका बाहर निकलना बहुत एसेंशियल होता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? यस मैम. फातिमा यू आर बेटा आप पे अटेंशन टू योर लेक्चर. आपके पीछे बहुत शोर आ रहा है. क्या है? कोई सेटिंग कर रहे हो कोई? नो मैम. ओके 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 जी. होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स. अब फर्स्ट जो टॉपिक है आपका, ये तो अभी इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, लेकिन इसमें आपके ये जो ऊपर वाले जो तीनों प्रोसीजर्स है ना, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इसकी आपने लर्निंग्स करनी है प्लस डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस. ठीक है जी, आ जाए आप इसके ऊपर. होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स. जी हसान, रीड दीज लाइंस. प्लांट्स में आप कैसे प्रोसीजर्स होंगे इनके, क्या क्या होगा? Plants respond to environmental changes and keep their internal conditions constant, i.e. homeostasis. They apply different mechanisms for the homeostasis of water and other chemicals, oxygen, carbon dioxide, nitrogenous materials, etc. जी, plants में तो basically water का काम है ज़्यादा, क्योंकि plants water absorb करते हैं, carbon dioxide लेते हैं हवा से, nitrogenous materials लेते हैं हवा से भी और soil से भी. अब इन तमाम चीज़ों को जब वो metabolize कर लेते हैं plants, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होगी या एक्स्ट्रा नाइट्रोजिनस मटेरियल्स होंगे, उनको अपनी बॉडी से ये कैसे एक्सक्रीट करेंगे ताकि उनकी बॉडी बैलेंस में रहे, होम्योस्टेसिस में रहे. ठीक है जी, अब इसको हम नेक्स्ट देखते हैं. अली नेक्स्ट देखते हैं इसका. फर्स्ट इसका टॉपिक है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब जो प्लांट्स हैं इन दोनों गैसेस के साथ बहुत ज्यादा काम करते हैं, है ना? कौन से प्रोसीजर में इन दोनों गैसेस का इस्तेमाल हो रहा होता है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस में. बेसिकली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन भी हो रही है जिसमें, लेकिन प्लांट्स से अगर मैं से रिलेशन में बात करूं तो फोटोसिंथेसिस इज अ मेजर प्रोसीजर जिसमें ये दोनों गैसेस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व. तो डे टाइम में तो क्या होता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो साथ साथ सेल, मतलब रेस्पिरेशन में जो कार्बन से प्रोड्यूस होती है वो साथ साथ इस्तेमाल हो जाती है. तो डे टाइम में तो ये साथ साथ कंज्यूम हो जाती है बाय द प्रोसीजर ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती प्लांट्स में, तो तब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कहाँ से निकल जाएगी? थ्रू स्ट्रोमेटा. स्ट्रोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन, हाँ जी, डिफ्यूजिस आउट हो जाएगी. ठीक है, बाहर की तरफ निकल जाएगी स्ट्रोमेटास के थ्रू. ये हो गया. और जो यंग रूट्स हैं, मतलब जारी बात है जो पार्ट्स जमीन के अंदर गए हुए हैं, रूट्स हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू रूट हेयर्स, जो उनका जनरल सरफेस है, रूट हेयर. रूट हेयर का आइडिया है क्या होता है? रूट हेयर्स? यस मैम. क्या होता है हसन? यस मैम जी. व्हाट इज वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स के ही सेल्स होते हैं जो एपिडर्मिस से निकलते हैं और लंबे हो जाते हैं, बहुत लॉन्ग एपिडर्मल सेल्स होते हैं बेसिकली फॉर द एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो रूट हेयर्स के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूजेस आउट हो जाती है सॉइल में. ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स कहाँ होंगे? ये भी लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा ना उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हमने पढ़ा था. मेसोफिल सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ होते हैं? लीफ के अंदर में. जी बिल्कुल, मिस अपर एपिडर्मिस के नीचे वाली जगह पर. जी जी, शाबाश, वेरी गुड. एपिडर्मिस के नीचे वाले जो सेल्स होंगे दे आर मेसोफिल सेल्स. दे आर रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं. तो कह रहे डे टाइम में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन. जारी बात है प्लांट खुद भी कुछ ऑक्सीजन यूज कर लेगा रेस्पिरेशन में, और जो एक्स्ट्रा होगी वो रिमूव हो जाएगी थ्रू स्ट्रोमेटा. तो प्लांट्स का तो सिंपल सा एक प्रोसीजर है कि स्ट्रोमेटा के थ्रू मैक्सिमम चीजें जो है वो बॉडी से आउट हो जाती हैं. अब वाटर की बात करते हैं. प्लांट वाटर भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है थ्रू रूट्स. वाटर का क्या होगा? जी फातिमा, रीड दीज लाइंस.
पहला इसका प्रोसीजर आएगा ट्रांसपायरेशन. जी रीड करें फातिमा. We know that plants obtain water from soil and it is also produced in the body during cellular respiration. Plants store large amount of water in their cells of purity. Extra water is removed from plant body by transpiration. At yeah, night, transpiration usually does not occur. Stop, beta. Itna hi, ji. Acha ji, plants wo keh rahe hain ki body mein absorb kar lete hain through soil. Bahut zyada water agar mil raha ho plant ko to absorb karte chale jaate hain. और प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी. व्हाट इज टर्जिडिटी? दिस इज आल्सो अ वेल नोन टर्म टू यू. ऑस्मोसिस में के टॉपिक में पढ़ा हुआ टर्जिडिटी के बारे में. जैसे टॉनिसिटी देखा था ना पीछे, अभी टर्जिड सेल्स भी होते हैं. वो कौन से सेल्स होते हैं? अगर नई आइडिया तो मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. यस असान, असान. No idea about turgidity? Yes, ma'am. अच्छा जी, turgidity ऐसे cells होते हैं जो कि fully उनके अंदर water जो absorb हुआ होता है, फूले हुए होते हैं. Full उनकी जो cell membrane है ना, वो water से पूरी तरह भरी हुई होती है और वो full, जैसे आप इसकी example ले लो, अगर आप किसी सब्जी को या ये चने वगैरह होते हैं, अगर आप पानी में भिगो देते हैं ना तो पूरे फूल जाते हैं. ठीक है, तो उनकी cell membrane ऐसे टाइट हुई होती है. ठीक है, उसको बोलते हैं turgid. लेकिन अगर आप दो तीन दिन के लिए वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को गर्मी के सीजन में बाहर रख देंगे ना, तो उनके ऊपर की स्किन ऐसे सुकड़ना शुरू हो जाती है. इसका मतलब है उनके वाटर, एक्स्ट्रा वाटर उसमें से बाहर निकल गया है तो वो सुकड़ रही है, तो वो स्किन क्या कहलाएगी? फ्लैसिड. जबकि जो टर्जिड सेल होता है वो फूला हुआ होता है, पानी उसके अंदर बिल्कुल सही मिकदार में मौजूद होता है. ठीक है, ठीक है. तो टर्जिड सेल्स ऐसे सेल्स जिसके अंदर वाटर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट में मौजूद है और उसकी सेल मेम्ब्रेन बहुत फ्रेश होगी. और जो फ्लैसिड सेल होगा उसकी सेल मेम्ब्रेन फ्रेश नहीं होगी, बल्कि ऐसे ढीली ढीली सी होगी, क्योंकि उसके अंदर से वाटर बाहर निकल चुका होता है. या ऑस्मोसिस वाला जो टॉपिक था उस पर यह टर्म आपने पढ़ी होगी. एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट बाय द ट्रांसपायरेशन. और सॉरी, टर्जिडिटी की वजह से ही ये जो प्लांट्स के जितने भी ऊपर के पार्ट्स हैं ना, जैसे लीव्स हो गए, उनकी स्टेम्स हैं, वो ऐसे खड़ी रहती हैं हवा में. अदरवाइज अगर पानी की कमी हो जाए तो ऐसे ढीले मुरझाए हुए लटक रहे होते हैं उनके लीव्स. लेकिन अगर पानी उन्हें प्रॉपर एब्जॉर्ब हुआ उनके अंदर, तो वो उनके लीव्स ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में खड़े हुए नजर आते हैं, फ्रेश फॉर्म में. अदरवाइज दे बिकम वेरी सॉफ्ट और ऐसे लटके हुए ढीले ढीले से, जब अगर उन्हें पानी ना मिले तो. तो अपनी एक्स्ट्रा वाटर अगर आ जाए उनकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा, तो वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू आउट कर देते हैं. ट्रांसपायरेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. ये आप नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर आई थिंक था. रात के वक्त क्या होगा? रात के, अब देखो प्लांट्स में ना डे टाइम और रात नाइट टाइम का कंपेरिजन चलेगा, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, इसलिए जो अंदर के जो केमिकल्स हैं वाटर के या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उसकी डिफरेंट रेशियो चल रही होगी. रात में क्या होगा? ट्रांसपायरेशन यूजुअली डस नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटास क्लोज्ड. रात के टाइम स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, इससे ट्रांसपायरेशन नहीं होती. तो फिर क्या होगा? जो पानी तो जमीन से वो मुसलसल एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट नीचे से, वो एक्यूमुलेट हो रहा होता है, जमा हो रहा होता है जाइलम सेल्स के अंदर. ठीक है जी, तो जाइलम सेल्स फिर क्या करेंगे? सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस, वो अपना पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पेशल पोर्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं एट द लीफ टिप्स और एजेस. इन पोर, यहाँ पर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके थ्रू वो पानी बाहर निकाल देते हैं, और इस प्रोसीजर को बोलते हैं गुडेशन. या आप देख भी सकते हो पिक्चर में. ओहो चलिए, सॉरी बेटा, ठहर गए, मैंने पीछे कर दिया स्क्रीन. देखो ये इस पिक्चर में आप देख सकते हो, देखिए ये पानी के कतरे, ड्रॉपलेट्स. ये आपकी बुक में भी है पिक्चर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो. दिस आर, ये है एक ग्रास का एक लीफ है, और उसकी एंडिंग्स पे आप देखें पानी कैसे खड़ा हुआ है. तो दिस इज गुटेशन. हसान, कैन यू सी दिस? यस मैम. हाँ, देखें कैसे पानी ना बिल्कुल लीफ के किनारों पर आया हुआ है. तो ये वो वाला एक्स्ट्रा वाटर है जो कि रात के टाइम जाइलम सेल्स में एक्यूमुलेट हो गया था, जमा हो गया था, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लीफ के एंडिंग्स के ऊपर, किनारों पर पोर्स होते हैं, वहां से पानी बाहर आ जाता है. अच्छा जी, और इसको क्या बोलते हैं? गुटेशन बोलते हैं.
अच्छा जी गुड, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी आएगी आई थिंक. यस, ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. ये मैंने पहले बता दिया, वेपर्स की फॉर्म में जो पानी निकलता है वो ट्रांसपिरेशन होता है. अच्छा जी, ड्यूटेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद ड्यू. ड्यू क्या चीज होती है? ड्यू ड्रॉप्स अक्सर हम सुबह के टाइम देखते हैं प्लांट्स के ऊपर. ड्यू ड्रॉप्स सुबह सुबह शबनम के कतरे होते हैं ना प्लांट्स के ऊपर. जिन बच्चों को मॉर्निंग वॉक की आदत हो उन्हें आइडिया होता है. जिन लोगों को सुबह सुबह अगर वो वॉक करते हैं ना, तो ऐसे हर ये जितने भी गार्डन में या बाहर लॉन में प्लांट्स होते हैं उन पे पानी आया होता है, शबनम के कतरे होते हैं. तो वो कह रहे हैं कि ग्यूटेशन को शबनम के कतरों के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि जो ये जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं ना, ये एक्चुअली हवा का अंदर जो मॉइस्चर होता है उसकी कंडेंसेस वाटर होता है. ठीक है, दिस वाटर इज नॉट कमिंग फ्रॉम प्लांट्स. जबकि जो ग्यूटेशन है वो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट का जो कि निकल रहा होता है. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ओके जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ये लास्ट आज का हमारा टॉपिक है जो हम करेंगे. उसके बाद फिर रिवीजन, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स. अब प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालते हैं, ऑक्सीजन भी निकालते हैं, वाटर भी निकालते हैं, एक और चीज भी अपने अंदर से रिमूव करते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो मेंटेन रहे बैलेंस केमिकल्स का. अब इसमें कुछ केमिकल्स की बात आ जाएगी. जी हसन, रीड दिस लाइंस. Plants deposit many metabolic wastes in their bodies as harmless insoluble materials. For example, calcium oxalate is deposited in the form of crystals in the leaves and stems of many plants. Example, in tomato. Plants जो हैं वो कह रहे हैं कि अपनी body के अंदर बहुत से metabolic waste. Metabolic waste मैंने आपको बताया था, ऐसे waste हैं, ऐसे products हैं जो कि बन जाते हैं different procedures की वजह से, लेकिन उनका बॉडी में काम कोई नहीं होता, वो नुकसान दे रहे होते हैं. तो ऐसे वेस्ट जो है वो कह रहे हैं कि प्लांट बॉडी जो है अपने अंदर स्टोर कर लेती है कुछ टाइम के लिए एज इनसॉल्युबल मटेरियल्स. इनसॉल्युबल मटेरियल्स, इनसॉल्युबल मींस जो कि बॉडी में मिक्स नहीं हो सकते. इनसॉल्युबल का यही मतलब होता है ना, जो कि मिक्स नहीं होते बॉडी में, डिजॉल्व नहीं होते. डिजॉल्व नहीं होते तो वो पड़े रहते हैं बॉडी के अंदर. ऑब्वियसली डिजॉल्व नहीं होंगे तो इकट्ठे होते रहेंगे. एग्जाम्पल उसकी क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट. जाहिर बात है जो प्लांट्स है वो जमीन से बहुत सी चीजें एब्जॉर्ब करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी एब्जॉर्ब करते हैं. वो कह रहे हैं कैल्शियम जो है, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं लीव्स पे. और फिर एग्जाम्पल दी कि टोमेटो के लीव्स में इसके होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स. अब उनको निकालने के लिए क्या करेंगे? वो अपनी बॉडी के ये जो है ना लीव्स, इनको गिराएंगे. जैसे कि ऑटम सीजन में अक्सर प्लांट्स के लीव्स जो है वो गिर जाते हैं. गिरते हैं ना? यस मैम. इसका मतलब है कि ये जो खजान में पत्ते गिरते हैं वो ऐसे ही नहीं गिर जाते. उनका एक एक ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने अंदर जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको एक्सक्रीट कर दें. एक्सक्रीट करने के लिए वो पत्ते वहां से, जिनके अंदर जमा हो जाते हैं ना ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स, आप देख सकते हो, तो ये किसी काम के नहीं है. तो फिर वो प्लांट्स जो है वो उन लीव्स को शेड कर देते हैं. इफ द लीव्स आर नॉट शेड, अगर वो ना गिरे तो कैल्शियम ऑक्सलेट जस्ट रिमेन्स एज हार्मलेस क्रिस्टल्स इन द लीव्स. ऐसे एक्स्ट्रा एक हार्मलेस है, नुकसान तो कोई नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ऐसे फालतू में एक चीज जो है वो प्लांट के अंदर जमा होती रहेगी. और अगर जमा होती रहेगी तो लीव्स का जो ओरिजिनल फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, वो स्लो डाउन हो सकता है. इसलिए लीव्स क्या काम करते हैं, अल्लाह ताला ने क्या सिस्टम रखा हुआ है कि जिन लीव्स में ये जमा हो जाते हैं ज्यादा, वो फिर लीव्स जो है वो बॉडी के ऊपर से, प्लांट के ऊपर से गिर जाते हैं. जी हसन, रीड नेक्स्ट लाइंस. इन ट्रीज व्हिच शेड देयर लीव्स ईयरली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीव फॉल. अदर वेस्ट मटेरियल दैट आर यूज्ड बाय सम प्लांट्स आर रेजिन्स बाय कैनिफेरस ट्रीज, गम्स बाय किकार्ड, लेटेक्स बाय रबर प्लांट एंड mucilage by carnivorous plants and lady finger etc. जी जी, इन्होंने बता दिया कि अगर ये excretory products जो हैं वो इसीलिए अगर जमा हो जाएं तो वो plants जो अपने leaves को shed करते हैं. दूसरा जो method है, एक method तो leaf की shedding का आ गया, दूसरा method क्या है? अक्सर आपने देखा होगा ये जो दरख्त होते हैं ना उनके ऊपर बाहर की जो बार्क होती है, सख्त वाली जो छाल होती है, उसके ऊपर ब्राउन कलर का एक मटेरियल बाहर निकला हुआ होता है, रेजिन्स.
रेजिन्स एक स्टिकी मटेरियल होता है, चिपचिपा सा, हाथ को अगर टच करो ना तो चिपक चिपकता है। कभी नोटिस किया है किसी बच्चे ने इसको? अक्सर हम अगर पार्क्स वगैरह में जाए ना, या अपने स्कूल के ग्राउंड में भी कभी आप चेक करो तो दरख्त सर्दियों में ज्यादा होता है ये। तो ये ना रेजिन्स चिपचिपा सा मटीरियल ऊपर नजर आ रहा होता है। और ये कॉनिफेरस ट्रीज तो ऑब्वियसली होते ही मरी कगार नारान एरियाज में है मोस्टली, तो ये वहां पर ज्यादा आपको नजर आएगा। अगर आप कभी मरी साइड पर जाएं तो यू कैन ऑब्जर्व दीज रेजिन्स। बाहर चिपचिपा सा ब्राउन कलर का एक मटीरियल होता है। गम्स, गम्स के थ्रू भी प्लांट्स अपने अंदर से ये मटीरियल निकालते हैं। कीकर एक प्लांट है, उसके अंदर से निकलता है गम, ये भी चिपचिपा। लेटेक्स, ये भी इससे लेटेक्स से क्या बनता है, रबर। ठीक है, रबर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो लेटेक्स से बनती हैं। ये अपने अंदर से रिमूव करते हैं और ये ऊपर ही नजर आ रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। अक्सर कट करें, अगर आप इसके दरख्त के ऊपर की छाल को कट करें या किसी प्लांट को तोड़ें तो उसके अंदर से व्हाइट कलर का मटीरियल निकलता है, दैट इज लेटेक्स। दूध, जैसे दूध होता है ना उस तरह का मटीरियल होता है। म्यूसिलेज, म्यूसिलेज इज ऑल्सो लिक्विड स्लाइमी। जी, ये अक्सर बच्चे ना प्लांट्स को ऐसे ही जस्ट फॉर फन, हम भी बचपन में करते होते थे, प्लांट्स के हल्का सा तने को तोड़ दिया तो तोड़े तो अंदर से ना ऐसे लिक्विड सा निकलता है। म्यूसिलेज इज ऑल्सो स्टिकी स्लाइमी सा लिक्विड है जो कि कार्निवोरस प्लांट्स में से निकलता है। कार्निवोरस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच ईट एनिमल्स, इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये कभी देखे हैं ऐसे प्लांट्स? यस मैम, ये बुक में ही देखे होंगे, ओरिजिनल तो हमने, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैंने बुक्स में ही देखा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को। पिक्चर प्लांट था जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप था, ये दो प्लांट्स आपने आई थिंक नाइन्थ क्लास में पढ़े थे, पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं, ये अपने अंदर से क्या निकालते हैं, म्यूसिलेज निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? ताकि अगर कोई इंसेक्ट इनके ऊपर आकर बैठ जाए तो म्यूसिलेज चिपचिपा सा होता है, स्लाइमी सा होता है, तो ये जो इंसेक्ट होता है अगर बैठेगा तो चिपक जाएगा, उठ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर वो चिपक जाएगा तो फिर प्लांट उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है एनिमल। ठीक है, और लेडी फिंगर, भिड्डी, ये तो बड़ी कॉमन एग्जांपल है, घर में आती भी है, आपने देखा होगा जब आपकी मामा उसको कट करती है तो उसके अंदर से वो चिपचिपा सा मटीरियल निकलता है गूंद की तरह का। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट इन्होंने बता दिए कि प्लांट्स जो हैं अपने अंदर से इन लिक्विड्स कैसे अपने वेस्ट प्रोडक्ट, दीज आर ऑल वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, अपने अंदर से कैसे रिमूव करते हैं। ओके, मूव ऑन टू द प्रीवियस सिक्स को गो थ्रू कर लेते हैं, जरा एक रीकैप ले लेते हैं। जी, आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? होम्योस्टेसिस को देखा। होम्योस्टेसिस अ प्रोसीजर बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडीज मेंटेन देयर बॉडी एनवायरमेंट। ठीक है, अगर मतलब अंदर का जितना भी एनवायरमेंट है, रिलेटेड टू टेम्परेचर, रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू केमिकल्स, वो सारे का सारा हमारी बॉडीज जो हैं वो एक बैलेंस लेवल पे मेंटेन करती हैं। अगर ऐसा ना हो तो हमारे जो एंजाइम्स हैं बॉडी के वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि एंजाइम्स को काम करने के लिए, एफिशिएंट वर्क फंक्शनिंग के लिए एंजाइम्स को एक प्रॉपर पीएच चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, ऐसे है ना, या पढ़ चुके हुए हैं चैप्टर सिक्स में नाइन्थ ग्रेड के। तो एंजाइम्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए बॉडी को प्रॉपर नॉर्मल लेवल पे रखना जरूरी है। उस अब इस काम को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसीजर है उसका नाम क्या है? होम्योस्टेसिस। इसमें आपके तीन टाइप्स आ गई, कौन कौन सी टाइप्स हैं ये रीड करें, कौन कौन सी टाइप्स हैं आगे? थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, जी तीन इसके आगे से टाइप्स हैं। ऑस्मोरेगुलेशन में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वाटर, वाटर एंड सॉल्ट, जी वाटर एंड सॉल्ट की रेगुलेशन की कैसे रेगुलेट होगा, कैसे बैलेंस होगा। थर्मोरेगुलेशन में हम टेम्परेचर के बारे में रीड करेंगे। यस मैम, हाउ वी कैन मेंटेन द टेम्परेचर। और एक्सक्रीशन इज द, एक्सक्रीशन में हम देखेंगे कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से कैसे आउट हो जाए। ठीक है, अब आपका जो आज का होमवर्क है, होमवर्क है वो ये है कि आपने एक तो होम्योस्टेसिस की अच्छा मुझे स्टूडेंट्स फ्रेंकली बताइए, आप किस तरीके से ज्यादा अच्छा मुझे रिजल्ट दे सकते हो? क्या मुझे डेली आपको रिटर्न वर्क देना चाहिए? आप बताइए। वीकली, वीकली मुझे भी यही लगता है कि अभी आपको, ठीक है आपको फिर ऐसे है अभी एवरी फ्राइडे आई विल गिव यू असाइनमेंट,
ठीक है okay. अच्छा अब ऐसा है कि आप इसकी लर्निंग करेंगे खूब अच्छे तरीके से, कल मैं आपसे थोड़ा सा सुन लूंगी, ठीक है okay, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन सुन सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अपनी स्क्रीन शेयर करनी होगी, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अब ले रहे हैं, मुझे आइडिया हुआ, बच्चे बुक से पढ़ के फौरन सुना देते हैं कि मैं सामने तो नहीं हूँ ना तो आप यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन टू मी। और बेटा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आई एम अलोन, जो टीचर्स आपका क्लासेस ले रहे हैं तो बिल्कुल अकेले बैठे होते हैं, जस्ट लाइक क्लासरूम। आप ये बिल्कुल मत सोचें स्टूडेंट्स के कोई और आपको देख रहा होगा, हम आपके पेरेंट्स की तरह ही हैं, और हम आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम, अगर ये टाइम हम दे रहे हैं आपको और आप बैठ रहे हो स्पेशल टाइम पे, तो आप इससे मैक्सिमम फायदा लें, वो तभी होगा आप साथ साथ लर्निंग करोगे, ठीक है। तो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ बहुत ज़रूरी है। आपने अब इसका ये होमवर्क ये है कि अच्छे तरीके से लर्न करना है, तो मैं आपसे सुनूंगी, ठीक है ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, कोई क्वेश्चन, कोई आपको ऑनलाइन पढ़ने में कोई इशू आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक चल रहा है yes. अच्छा जी, क्विज कैसे होगा शाम मुझे बताइए, कैसे लूंगी मैं क्विज आपसे मैम? आप क्वेश्चन पूछेंगी मैम जी, शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे कोई एमसीक्यूज पूछ लिया, उसकी चार ऑप्शंस, अब तो आपको अगर आता होगा क्वेश्चन तो ऑप्शन मुझे देने की जरूरत ही होगी, यू कैन गिव मी आंसर, ठीक है ना। अदरवाइज मैं कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे, कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगी, अभी ग्रेडिंग होएगी उसकी ना, क्योंकि रिजल्ट मेंटेन करना है। मैम ने हमें कहा है कि मुझे इनकी मतलब चाहिए, इनकी एक तो ये रिटर्न वर्क है ना, लेकिन उसके साथ साथ आपकी लर्निंग भी चाहिए, तो उसका भी यही मेथड मुझे नजर आता है कि क्विज ले सकती हूँ मैं आपका, इसके अलावा तो ऑनलाइन क्लासेस में रिटर्न कुछ नहीं है। अच्छा जी, हसान, व्हाट आर कैल्शियम ऑक्सलेट, ये क्या चीज है, क्या काम करता है प्लांट के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट? मैम ये कैल्शियम ऑक्सलेट मैम क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है प्लांट्स के अंदर। हाँ जी, तो इसका मतलब कोई काम है प्लांट्स के अंदर या नहीं? मैम मेटाबॉलिक वेस्ट मैम। यस, दिस इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, इट शुड बी रिमूव्ड, और इसको रिमूव करने के लिए क्या मेथड करते हैं प्लांट्स? मैम वो वैसे ही बाहर निकालते हैं मैम। नहीं बेटा, वैसे बाहर नहीं निकालते, दे शेड देयर लीव्स। यस मैम, यस मैम, शेड अपने जो लीव्स हैं उनको गिराना पड़ता है उन्हें, क्योंकि ये क्रिस्टल्स हैं बड़े बड़े, आपको पता है प्लांट्स के अंदर तो कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं ना, जैसे हमारे अंदर प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है एक्सक्रीशन के लिए, यूरिन के लिए यूरिनरी सिस्टम है हमारे अंदर, लेकिन प्लांट्स के अंदर तो ऐसा अल्लाह ताला ने कोई सिस्टम नहीं रखा हुआ, तो कैल्शियम ऑक्सीडेट के जो क्रिस्टल्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं मौजूद, तो वो उन्हें अपने जो लीव्स हैं उन्हें गिराना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो क्या है, कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो कि प्लांट्स अपने अंदर से निकालते हैं बाहर? रेजिन्स हैं, गम्स, लेटेक्स, म्यूसिलेज, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्चुअली 2-3 मिनट अभी रह गए तो मैं बात कर सकती हूँ आपसे भी, इफ आई आस्क यू टू मेक सम शॉर्ट क्वेश्चंस, तो कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से आप निकाल सकते हो? जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पता है 9th में तो ये सॉरी मतलब बोर्ड की क्लासेस में तो किसी भी टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस निकल आते हैं, जैसे कि यहाँ से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से एक व्हाट इज ड्यूटेशन आ जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस इन ड्यूटेशन एंड ड्यू आ जाएगा, आ सकता है, ठीक है। Then, yes, ma'am. फातिमा, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है बेटा? Yes, ma'am, बस ठीक ही है, रात को था तो खराब थी। अच्छा, क्या हुआ, खैरियत है, बुखार वाला तो नहीं हो रहा ना? Yes, ma'am. नहीं नहीं, मिस वैसे ही साइड पे पेन थी। आजकल बस ये टेम्परेचर का ही डर लगता रहता है, टेम्परेचर ना हो जाए किसी को। Yes, miss. अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, सब सेफ रहें, घर रहें, घर ही रहते हैं ना, कहीं बाहर तो नहीं जाते इधर उधर? नो मैम, मैं बहुत कम। हाँ, जाना भी हो तो बस गाड़ी में बैठना होता है ना, बाहर मूव नहीं कर सकते, आजकल बस इस तरह से चल रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कम हो जाएगा, सुनने में है कि अब इसकी पीक टाइम खत्म हो रहा है इंशाल्लाह।
चले ठीक है जी स्टूडेंट्स, ओके इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह 8 o'clock. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.